ब्रेक लगी थी मैम पीछे, ये ब्रेक लगी थी। ये है मेरी प्यारी गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो गाइज आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड गाइज मैं भी काफी अच्छा हूँ। सो गाइज सुबह के 8 बज चुकी है और अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से फरीदाबाद, जो कि यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है और काफी लेट भी हो चुके हैं, फिर वापस लौट के आना भी है। सो गाइज ज्यादा वक्त अभी नहीं लेंगे, लेट काफी हो चुकी है और यहाँ पे बैग भी रेडी हो चुका है, तो चलिए चलते हैं। तो फरीदाबाद क्यों जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ, तो आगे आप लोगों को ब्लॉग में पता चल ही जाएगा, तो प्लीज आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस रूम से बैग लेके निकल चुके हैं, अकेले जा रहे हैं, पता नहीं नए गांव में नए शहर में अकेले ब्लॉग कैसे बनेगा, क्या फील होगा, कैसा फील होगा, तो चलिए चलते हैं मेरी जान। अभी मैं आ चुका हूँ हाईवे पे और यहाँ मुझे हाईवे पार करके उस साइड जाना पड़ेगा, तो अभी तो ट्रक आ रही है, देखते हैं हाईवे पार करते हैं सबसे पहले। तो हाईवे अभी पार कर चुके हैं, यहाँ ये बस का इंतजार करेंगे, अभी बस नहीं आ रही है फिलहाल, तो बस के लिए काफी सारी यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, चलिए इंतजार करते हैं बस की। तो गाइस सोते सोते कब 80 किलोमीटर का सफर तय हो गया पता ही ना चला। तो अभी हम आ चुके हैं इफ्को चौक पे, यहाँ से अब दूसरी बस लेनी पड़ेगी। वैसे तो तभी वो छोटी सी इफ्को गाड़ी से आए थे जो कि जल्दी आना था, तो वही गाड़ी ले रही है, वो जल्दी पहुँचा देती है, बस वैसे बहुत लेट लगा देती है। तो अभी हम आ चुके हैं इफ्को चौक, नहीं बस से जानिए, तो ऑटो वाले पूछ रहे हैं कहाँ जाना है, तो चलिए अभी फिर यहाँ पे रोड क्रॉस करना पड़ेगा, तो चलिए उस साइड चलते हैं। तो गाइस यहाँ का नज़ारा देखिए, काफ़ी मस्त नज़ारा है, ये ऊपर हाईवे रोड है, तो नीचे ये पता नहीं कहाँ तक जाती है ये वाली रोड, तो चलिए पहले बल्लभगढ़ वाली रोड को उस साइड पार करते हैं। तो गाइस अभी हमको जाना पड़ेगा उस साइड। क्रॉस कर चुके हैं बस आज बल्लभगढ़ की, तो गाइस मैं अभी आ चुका हूँ फरीदाबाद बल्लभगढ़, तो अभी जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाने के लिए यहाँ से ऑटो लेना पड़ेगा, तो आइए पहले ऑटो में बैठते हैं उसके बाद जाते हैं। तो यहाँ का अभी तो अकेले हैं, घूम नहीं पाएंगे, जाते हैं क्या होता है। तो अभी बल्लभगढ़ में हम लोग आ चुके हैं, हम लोग जैसे मैं आया हूँ, तो यहाँ ये है पीछे का बल्लभगढ़ का नज़ारा। वॉइस तो वैसे नहीं जा रही, गाड़ी काफ़ी सारी चल रही है, तो आइए यहाँ पे ऑटो लगी हुई है, इसमें हम बैठते हैं और चलते हैं। जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए, दे दे जो जुबान मेरी जान मर जाए। गाइस मैं अभी आ चुका हूँ हरियाणा फरीदाबाद बल्लभगढ़, जहाँ मेरी छोटी सिस्टर रहती है जो कि अभी खाना बना रही है, और ये रही प्यारी सी क्यूटी भांजी लांडो, क्या लांडो, तो हाय कर दो लांडो, हाय कर दो, इसे कर दो इसे चाहू, जो कि अभी बिस्किट खाने में बिजी है, तो अभी यही
आए हैं, यही आप सबको। सो गाइस शाम हो चुकी है और अभी मैं आया हूँ छत पे। तो भैया क्या ही बताए यार, बस पे कुछ ऐसी घटनाएं घट गई थी कि ब्लॉग अच्छा से बना ही नहीं पाया। क्या हरकत थी? ब्रेक लगी थी मैम पीछे। ये ब्रेक लगी थी? और ऐसी कुछ भी बात नहीं थी गाइस, क्या ही बताए। अकेला था बस में और काफी नर्वस फील हो रही थी, तो आगे क्या ही बताए। और वैसे भी आज तो कहीं घूमने जा नहीं पाए यहाँ पे, जो मेरे थे रूम में मेहमान वो रात में ड्यूटी करके आए हैं, तो उनको नींद लग रही थी तो सो गए, तो घूमने नहीं जा पाए जिसके कारण। तो आगे क्या ही बताए, आई होप कि आप सबको ये ब्लॉग छोटी सी अच्छा लगा होगा, तो सपोर्ट करते रहिए और हर की तरह धन्यवाद।